हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। सुबह सुबह उठ गई थी और अनलॉक भी किया है मैंने। बस सुबह सुबह उठी, आदत लगा दी फिर से। और फिर घर साफ हो गया है मेरा, मैंने किचन साफ कर लिया है। अभी तो फिलहाल मैं इन्हें माइक्रोवेव बनने के लिए डालूँगी। इन पे थोड़ा अभी ध्यान दे रही हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके चाय बनाऊँ। संदीप जी के बैड में चाय हुए हैं तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी अब। और बस चाय बनाते हैं। और अभी तक मैंने उठ के पानी नहीं पिया, तो मैं पानी पी लेती हूँ पहले। बहुत प्यास लगी। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, वो एकदम पुरानी वीडियो थी क्योंकि एक दिन पहले करंट चला गया था, तो फिर मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए सॉरी। आज वेदर अच्छा है, मतलब कि वहाँ धूप कम है, नहीं है धूप अभी नहीं है उतनी। ठंडी हवा आ रही है। हेलो गाइस, तो फिर अब मैं नहा चुकी हूँ, मेकअप कर लिया है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो चलिए, मैंने पहले से ही चावल भिगो रखे हैं और मैं कैमरा टर्न करके फिर वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम होता है फ्लैट कैमरे से वीडियो बनाना। तो मेरा बिग बास्केट का सामान भी आ गया है, बहुत लेट कर गया वो आने में। देखती हूँ क्या क्या लेके आया और क्या छोड़ गया। सब्जियाँ ले ली मैंने, तो अब सोच रही हूँ बाकी चीज़ें बनाती हूँ। मैंने 3 पटल लिया, 1 करेला लिया। अच्छा, आप लोग बताइएगा किसे किसे करेला पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। 2 आलू, 2 गाजर और प्यारी प्यारी हरी मिर्च। मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, और ऊपर से जब वो ताज़ी ताज़ी सूखी मस्त। अब मैं इसे धो लूँगी। पानी में थोड़ा सा सोख होने के लिए मैं खो दूँगी। बनाने जा रही हूँ। मैं बीटरूट स्टीम करने जा रही हूँ। अच्छे से इसमें डाल देंगे। अब इसे हम डालेंगे इस पर। मैंने एक स्मॉल स्टीमर बना लिया, इसमें अच्छे से मैंने इसे स्प्रेड करके फैला दिया। अब इसके ऊपर ढक दूंगी मैं इसे, और ये इजीली बहुत अच्छे से 15 मिनट में स्टीम हो जाएगा। राइस बस बनने ही वाली है। मैंने टमाटर के बीज सारे निकाल लिए हैं। मिर्ची बहुत तीखी, ओ माय गॉड, नहीं खा सकते ज़्यादा। अनियन कट कर लिया है। ये टमाटो का जूस मैंने अलग से निकाला था। मिर्ची धो के काट के इसमें से सारे बीज निकाल के अलग कर रखे हैं, क्योंकि मुझे बहुत तीखा पसंद है, पर ये बहुत ज़्यादा ही तीखा है, इसलिए बीज निकाल दिया। बीटरूट डन है मेरा। अब थोड़ी देर में ठंडा होगा, फिर आगे काम करूँगी। और ये रहा मेरा शरबत, संदीप जी ने तो पी लिया, अब मैं इसे एंजॉय करूँगी। अच्छी है, स्टमक ठंडी हो जाएगी मेरी। मुझे पसंद है। बहुत सारे कड़ी पत्ते डालेंगे। बस अब इसमें क्लीन किया हुआ अपना बीटरूट डालूंगी सारा। बस हो गया। इसे थोड़ा भूनने दूंगी हल्का हल्का। वैसे तो ये पहले से ही पका हुआ है तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा पके ही है। और ऊपर से थोड़ा और मैं कड़ी पत्ता डाल दूँगी। कड़ी पत्ता जितना ज़्यादा हो उतना खाइए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें पिंक सॉल्ट डालूँगी, एकदम हल्का से, ज़्यादा नहीं डालना। जो मैंने हरी मिर्च काटी थी वो थोड़ा सा ले ली, धनिया पत्ता, टमाटो, मिर्च, प्याज। अब ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी इसके अंदर। इसे भी थोड़ा पकने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अपना ग्राइंड किया हुआ कोकोनट। डाल दिया कोकोनट। गैस बंद कर देना है, कोकोनट डालते ही गैस बंद कर देना। अब इसमें थोड़ी सी मैं अपनी धनिया पत्ता डालूंगी गैस बंद करने के बाद। बस हो गया। अब इसे अच्छे से मिला देंगे और ढक के रख देंगे हम 5 मिनट के लिए, कम से कम ढक दे। उसके बाद फिर इसे सर्व कर लीजिए। बन गया मेरी बीटरूट की भजिया। ये मेरी मॉम को बहुत पसंद है, मेरे पापा को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और संदीप जी को भी बहुत पसंद है। आप इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एक प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी चाहिए। वैसे ये बन चुकी है, नमक डाल दिया मैंने, सब डाल। बहुत मेहनत लगी इसे अच्छे से मैश करने पर, बहुत प्यारी मैश हो चुका है। अब ये जो मैंने टमाटो, धनिया पत्ता, मिर्ची, प्याज कट कर रखा था वो सब इसमें डाल दूँगे। एक हाथ से कर रही हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। मैंने ना करेले के जो बीज थे वो निकाल के हटा दिया। पति एक हेल्प कर दो ना, आ जाओ ना। फिर इन सबको मिक्स कर लेंगे हम। ये दो नमक देना। ये सब मैंने मिला लिया अच्छे से कर दिया। अब इसमें नमक डालूंगी और ये बन गया नमक। ये खोल दो। नहीं लग रहा है मुझे बहुत जोर। ये अच्छे अपने पीछे उठा दे। चलो और बस समझ। ये रहा नमक और वो डब्बा खोलना। मैंने नमक मिक्स कर दिया। 365 दिन चलेगा। मेरे पति को, मैं पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बुलवा दिया मुझसे वीडियो में, क्या बुलवा दिया खुद। हाँ ये रहा, मैंने और सरसों ऑयल यूज़ नहीं किया है तो मैंने इसकी जगह नारियल मिक्स कर रही हूँ इसमें। बस ये ऐसे मिक्स करके तैयार। तो गाइस मेरा लंच बन चुका है। अब मैं सर्व करूँगी संदीप जी को, उन्हें भी बाहर निकलना है तो अब मैं दूसरा काम करने जा रही हूँ और जो नॉर्मल मेरा वर्क होता है वो स्टार्ट होगा अभी से। अब तो आज की वीडियो मैं इतने पे ही ख़त्म कर रही हूँ। अगर कोई भी रेसिपी आपको जाननी हो कैसे बनी है, प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, सॉरी कमेंट करें यूट्यूब पे कि आपको ये रेसिपी जाननी है। मैं उसका प्रॉपर वीडियो फिर से बनाऊँगी। वैसे तो ऐसे ब्लॉगिंग में मैंने डाल दिया। और बहुत गर्मी हो रही है, देख ही रहे हो क्या हालत हो गई है। तो बस मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ज़बरदस्त रहे। और प्लीज़ जो आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।